आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुड़गांव के सबसे लेविश सेक्टर में, जहां पे आने वाला है ग्लोबल सिटी, और साथ ही साथ जहां पे द्वारका एक्सप्रेस वे खत्म हो रहा है। दिल्ली से स्टार्ट होके गुड़गांव के जिस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, हम उस सेक्टर की बात करेंगे। सेक्टर है 37D। 37D एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है और फ्यूचर में आने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D के नाम से। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट करा है और काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि ये सेक्टर आने वाले समय पे काफ़ी सारा एप्रिसिएशन देगा। अगर हम बात करें सिग्नेचर के, तो निकल पड़ा हूँ फिर से मैं एक नए सफर के लिए, और आज मैं आपको बताऊंगा। अरे ऋषभ भाई, क्या हाल चाल है आपके? बस बस बढ़िया। और आज क्या बता रहे हो हमारे दर्शकों को? मैं तो आज ब्लॉग करने आया था, आप बताओ। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस बताओगे, मेन मेन चीज़ें टॉपिक बताने जा रहे हो आप सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में। तो भाई लोगों, ऐसा है, आज आप जो ये क्वेश्चन आपको बताएंगे उसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी देंगे, तो सारी चीज़ को समझो और अपने लिए, ठीक है, अपना ड्रीम हाउस लो और सोच समझ के इन्वेस्ट करो। तो ऋषभ भाई, मैं तो चला ब्लॉग करने, आप संभालो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बिल्कुल, आज मैं आपको हर वो क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं जो आपके मन में उठते रहते हैं कि सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D में क्या ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमको बेनिफिट देंगी बीबीए के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको उन सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो आप हर जगह ढूंढते हैं, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास वो चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है या जहाँ हमने इन्वेस्ट कर दिया उसका स्टेटस क्या है। देखिए, अगर आप कहीं पे भी बुकिंग करते हैं, वैसे हम बात करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल डेवलपर के बारे में, यहाँ पे आप बुकिंग करते हैं, फिर आपको कुछ इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी, तो 2 से 3 दिन में अगर आप बुकिंग को कैंसिल कर देते तब उस केस में आपका पैसा वापस आ सकता है। बट अगर आपके पास कोई भी मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, मीन्स कि अगर आप सिर्फ इस वजह से बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं कि आपको ये यूनिट पसंद नहीं आई और उसका समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे आपने 1 तारीख को बुकिंग करके गए और आप जब उसका 9% देंगे पैसा, ठीक है, बुकिंग अमाउंट कंप्लीट देंगे उससे 1 दिन पहले, मतलब कि 10-12 दिन लेके आप उस बुकिंग को कैंसिल करते हैं, तो उस हालात में, ठीक है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्डर का भी लॉस बहुत ज़्यादा है। तो आप बुकिंग अमाउंट 1 लाख रुपए दे के जा रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो यूनिट आपके नाम से होल्ड हो जाती है। अब क्या होता है कि कंपनी उस यूनिट को किसी को बेच नहीं सकती है, तो कंपनी भी उस चीज में बंद गई, तो वहां पे कहीं ना कहीं बिल्डर का भी लॉस है। तो अगर आपको कुछ इमरजेंसी ऑफ मेडिकल है तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी और आपको पैसे मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू रेरा देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, तो मैं ये चाहूँगा कि आपको अगर डिस्क्रिप्शन में ब्रीफिंग लेनी है तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे हर एक चीज़ को रीड करें। देखिए, अगर बीबीए की बात करें तो जब भी आप अपनी बुकिंग करते हैं, 1 लाख रुपये से एक अमाउंट होता है कि आप उस यूनिट में अपनी होल्डिंग कर सकते हैं। 9% जैसी बुकिंग अमाउंट आप दे देते हैं, जितना भी आपको फाइनल अमाउंट मिला था उसका जब 9% आप दे देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बीबीए के लिए। बीबीए आपका तहसील में होता है, जिस भी एरिया में लेते हैं उसका अपना एक तहसील होता है, वहाँ पे होगा, ठीक है। डेवलपर आपको एडवोकेट्स के नंबर दे देंगे, डेवलपर के ही एडवोकेट होता है जो आपका ये सारा कागजी कार्रवाई करता है। देखिए, पोजीशन बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। जब भी लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उनको पोजीशन की सबसे ज़्यादा, मतलब, जल्दबाजी में रहती है कि यार मेरे को पोजीशन जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसका जो फर्स्ट फेज की पोजीशन है वो mid-2024 तक आपको मिल जाएगी, ठीक है, और सेकेंड फेज की पोजीशन की बात करें तो mid-2025 तक मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो टाइम कहाँ लगेगा, एमिनिटीज़ में, ठीक है, आपको घर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा बट एमिनिटीज़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके अगर इस चीज़ को कोई कहता है कि नहीं हम तो बिल्कुल दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट आपको घर की पोजीशन दे दी जाएगी। जब पोजीशन आपको मिल जाती है उस वक्त भी आपको 2 से 3 महीने उस घर में जाते वक्त, सारी चीज़ें करते वक्त लग जाता है। तो एमिनिटीज़ ऐसा पार्ट होता है कि डिलीवर प्रोजेक्ट जब हो जाता है उसके बाद भी 6 महीने 8 महीने तक एमिनिटीज़ पे काम चलता रहता है। देखिए, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फर्स्ट फेज में लोटस ब्लॉक में काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जैस्मिन ब्लॉक में भी काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ठीक है, 4th फ्लोर तक सारा काम कंप्लीट है अभी, बट अब फिनिशिंग पे उस पर काम चल रहा है, फिनिशिंग में बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है।
बट सेकेंड फेज में अभी काम स्टार्ट हुआ है, काफी जगह वहां पे बेसमेंट पे काम हो रहा है और काफी ब्लॉक्स में अभी खुदाई स्टार्ट हुई है, जैसे रोज ब्लॉक में काफी जगह वहां पे खुदाई भी स्टार्ट हुई है, पर देखते देखते बहुत जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि मैं लास्ट महीने भी सैंपल फ्लैट की वीडियो बनाने गया था तो मैंने देखा था कि सैंपल फ्लैट के जस्ट बगल में अभी कुछ भी काम इतना ज्यादा नहीं हुआ था, बट अभी मैं 2 दिन पहले गया था तो वहां पे सारा 4 फ्लोर तो काम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब वहां पे अच्छा काम चल रहा है, सिग्नेचर अब तेजी पे आ चुका है, आपको बहुत जल्द और टाइम पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए रेंटल इनकम की अगर बात करें तो काफी ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है सिग्नेचर ग्लोबल में, तो उनके माइंड में यह है कि यार रेंटल इनकम हमको चाहिए। तो गुड़गांव एक कमर्शियल एरिया है, जैसा कि आप जानते हैं डीएलएफ फेज 3 के अंदर काफी एम्प्लॉयज वहां पे रेंट पे रह रहे हैं, जैसे कि पीजी में आर केज में, और वहां पे वो रेंट दे रहे हैं 10,000 से लेके 20,000 तक में। 37DB एक काफी अच्छा एरिया है और वहां पे जो रेंट पे रहने आएंगे उसमें भी काफी लोग ऐसे होंगे जो एम्प्लॉयज होंगे अच्छे कंपनीज के, तो जो रेंटल इनकम है वहां पे आपको अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि 1 RK से बड़ी जगह है, 2 BHK एंड 3 BHK है। तो अभी स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ 15,000 रुपये से 25,000 के बीच में आपको वहाँ पे रेंट मिल जाएगा, क्योंकि सोसाइटी की बात है, सोसाइटी में आपको एमिनिटीज भी मिलेगी तो उसकी भी अपनी वैल्यू होती है, और जैसे जैसे बसावट हो जाती है तो 25,000 से 35,000 के बीच में आराम से आपको वहाँ पे रेंट मिल जाएगा, तो इन फ्यूचर वहाँ पे रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी है। देखिए कमर्शियल की अगर बात करें तो इन हाउस वहाँ पे 1,000 से ऊपर फ्लैट्स हैं, तो काफ़ी अच्छी फैमिलीज वहाँ पे आने वाली है, तो वहाँ पे कमर्शियल्स के जो फुटफॉल्स हैं वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आप अगर अंदाजा लेके चले तो मैं आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट बता देता हूँ, 40 रुपये स्क्वायर फीट से 50 रुपये स्क्वायर फीट तक आपको आराम से वहाँ पे रेंटल इनकम मिल जाएगी। देखिए ग्लोबल सिटी आने का फायदा वहाँ पे 37D के प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह मिलने वाला है, क्योंकि बिल्कुल इन फ्रंट पे वो प्रोजेक्ट है, पर साथ ही साथ आपको लगभग गुड़गांव में ये फायदा मिलेगा, क्योंकि न्यू गुड़गांव को भी फायदा होगा ग्लोबल सिटी से और 37 सेक्टर को भी फायदा होगा। ग्लोबल सिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा, वो पूरे वर्ल्ड में एक अपना नाम बनाएगा ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी के बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं, गूगल पे आप चीज़ें देखें कितने एकड़ में वो ग्लोबल सिटी बन रही है, क्या क्या चीज़ें बन रही है, क्योंकि अभी जो आप गुड़गांव देख रहे हैं वो सिर्फ अभी 25% गुड़गांव, 75% गुड़गांव बनना बाकी है, जो कि ग्लोबल सिटी इस चीज़ को पूरा करेगी। जी हाँ, अभी कुछ टाइम पहले हमने जिरिक्स पे सैंपल फ्लैट की वीडियो डाली है, आप शॉर्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। सैंपल फ्लैट बहुत ही अच्छा बना है, क्योंकि ये सैंपल फ्लैट ही एक्चुअल फ्लैट है, तो आपको जो वहाँ पे दिखेगा वही आपको मिलेगा। तो आप जाए, आप साइट विजिट करें, आपको स्क्रीन पे नंबर भी दे रहा हूँ मैं, इस नंबर पे कॉल करें, सिग्नेचर ग्लोबल सेल्स टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपके लिए टिकट रेज कर देगी सैंपल फ्लैट देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम आपके हर सवालों का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपकी हर तरह से हेल्प कर सके। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास जानकारी प्रॉपर और सही तरीके से रहनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा जानकार ही एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हम आपको यहाँ पे देंगे एजुकेशनल कॉन्टेंट और साथ ही साथ हम आपको ब्लॉगिंग के जरिए गुड़गांव की काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो काफ़ी हमारे प्लान्स हैं आने वाले समय के लिए कि हम आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करें, क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आएगा, जो आपको इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स होंगी, आपकी अप्रिशिएशन होंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें इस स्टेट को, और तब तक के लिए जय श्री राम।